हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पल शर्मा एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इग्नू एंड आई एम बीसीए पीजीडीसीए एमबीए एंड बीएड। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, कि ट्रिपल सी के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी जिनके एग्जाम्स हैं ट्रिपल सी के, या फिर जनवरी या फरवरी में एग्जाम्स हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज लेकर के आई हूँ। ये डेली ट्रिपल सी एग्जामिनेशन सीरीज है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उससे रिलेटेड और भी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ओनर ऑफ अलीबाबा, यानी कि अलीबाबा का ओनर कौन है, अलीबाबा के ओनर कौन है? जैक मा। ठीक, जैक मा इसके ओनर है, इसे आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है? तो वो आपकी है मॉडेम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडेम का फुल फॉर्म भी आता है, और यहाँ पर डिजिटल से एनालॉग को जो सिग्नल में कन्वर्ट करती है वो भी क्या है, मॉडेम है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ कमेंट इज डैश, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में या फिर आपकी स्प्रेडशीट में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट शुड बी द एज फॉर यूजिंग इंस्टाग्राम, यानी कि इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है? तो फोर्थ है इसका आंसर 13 इयर्स, 13 ईयर का होना चाहिए किसी को भी अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, तो फोर्थ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी अ सीपीयू पोजेस, यानी कि सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? तो सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। ठीक, सारी मेमोरी सीपीयू में ही पाई जाती है, लेकिन जो सीपीयू के पास जो बाकी तो हम एक्सटर्नल लगाते हैं, जैसे रैम है आपका सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सब तो अलग से होती है, लेकिन कैश मेमोरी क्या होती है? सीपीयू के पास होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस क्या है, यानी कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डीएनएस का अर्थ क्या है? सारे एक ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है आपका डोमेन नेम सिस्टम। अगर फ्रेंड्स आपको डोमेन नेम सर्वर भी आ जाता है तो भी आप लगा सकते हो। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? तो कौन सा है? एनीएक। एनीएक पहला कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, व्हेन वॉज वैक्यूम ट्यूब मेड, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो है कब निर्मित हुई थी? तो कब निर्मित हुई थी? 1904 में, 1904 में। ठीक, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के खोजकर्ता कौन है? तो जैक किल्वी। जैक किल्वी इसके क्या है, इन्वेंटर हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, वेयर द डेटा गेट सेव्ड इन अ कंप्यूटर व्हेन इट शट्स डाउन, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर निम्न में से डेटा सेव रहता है, किसमें सेव रहता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, यानी कि ऐसी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हमेशा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा सेव रहता है। ठीक, जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हमेशा डेटा जो है सेव रहता है, जब कभी आपको यूज करना होता है तो उसमें से आप यूज कर सकते हो। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? ठीक, तो केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम इसके क्या है, फाउंडर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी इज, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? तो 80, यानी कि 80 इसका पोर्ट नंबर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 80 होता है एचटीटीपी का पोर्ट नंबर। ठीक, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
13th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन कैल्क, यानी कि कैल्क में जो फॉन्ट का साइज होता है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो वो 10 होता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर डज द फाइल गेट सेव्ड बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है, किस नाम से, आपका डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव हो जाती है, यानी कि हमें उसको किसी भी फोल्डर में डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर होता है वहां जाकर के सेव हो जाती है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल इज, जो पेस्ट स्पेशल होता है ठीक, जो हम एक्सेल में यूज करते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारे 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। इसमें 16 क्वेश्चन ये है आपका, पॉप अप कैन बी ब्लॉक्ड, यानी कि जो पॉप अप होता है उसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो हम उसे कर सकते हैं बिल्कुल। आपने देखा होगा क्रोम में जाकर के, अगर कोई वेबसाइट आपकी पॉप अप ब्लॉकर वाली होती है तो ऊपर ऑप्शन आ जाता है, वहां पर आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, IBM 205 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि IBM 205 जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये आपका फॉल्स है। इंटेल 4004 क्या था, आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, थिसोरस यूटिलिटी इज यूज्ड इन MS वर्ड टू फाइंड अ सिनोनियम, यानी कि थिसोरस यूटिलिटी का प्रयोग वर्ड में समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए किया जाता है, तो ये आपका क्या है, सही है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिनक्स कर्नल वॉज इन्वेंटेड बाय लिनक्स टोरवाल्ड्स, यानी कि जो आपका लिनक्स टोरवाल्ड्स है वो आपके लिनक्स कर्नल का आविष्कार उन्होंने किया था, तो ये आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अ टर्मिनल दैट डज नॉट हैव द लोकल प्रोसेसिंग केपेबिलिटी इज कॉल्ड अ डम टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती वह डम टर्मिनल कहलाता है, तो ये आपका क्या है, सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 20CCC में पूछे जाने वाले मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जिनका भी CCC का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये, ठीक। और अगर इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो जिनका भी CCC का एग्जाम है उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और इससे वो एडवांटेज ले पाएंगे। बाकी मेरा CCC एग्जाम क्रैकर फेसबुक पेज है, उसको लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ उसे फॉलो भी कीजिए। और फ्रेंड्स, जिनका भी अभी दिसंबर जनवरी या फरवरी में एग्जाम, उनको बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय।